इसमें क्या है, ये डेड है और पार्ट नंबर दिखाया गया इसका। तो यहाँ से कुछ ऐसा है कि DAH98AMBAD0, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये नो डिस्प्ले में है, ऐसा है, मतलब जैसे ये बिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में है ये डेड, यानी कि डेड कंडीशन में, ऑन ऑफ का कंडीशन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बिना स्कीमेटिक, अगर स्कीमेटिक नहीं रहता तो कैसे काम करते हैं इस बोर्डों पे, जो बिगनर्स हैं उन छोटे दोस्तों के लिए या उन बड़े भाइयों के लिए जो कि बिगनर्स हैं एकदम, जिन्हें कुछ भी मालूम ही नहीं है। तो ऐसे केसों में क्या होता है ना, अगर कुछ जब मालूम नहीं होता है अपने को, तो ज़्यादातर बिगनर्स या फिर नए नए ट्रेनिंग लेके आए हुए जो इंजीनियर्स हैं, हिट लगा देते हैं, जिस कारण से वो क्रिटिकल बन जाता है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे कंडीशन दिखाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को करंट सेंस करने के लिए नहीं है जुगाड़, तो मैं यहाँ पे स्कोप यूज़ कर रहा हूँ, डिजिटल मैं अपना उस DSO यूज़ कर रहा हूँ। दिखा देता हूँ मैं DSO का स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट कॉर्नर में आपको करंट लिख के आ रहा होगा, ये मैंने लगाया है, वो डाउन हो गया 830, 953, 918 मिली एम्पीयर के आसपास कंजप्शन हो रहा है, अगेन ये ऑफ हो गया। ठीक है, वापस से अगर देखा जाए तो मैं जरा सा SPI कम्युनिकेशन को चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो SPI कम्युनिकेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको मैं वापस निकाल लेता हूँ टाइप सी चार्जर को, और वापस लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन हो रहे हैं, और एक जगह पे ये आके शट डाउन हो जा रहा है। वापस से फिर एक बार के लिए मैं चालू करूँ, तो यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ बंद होगा वहाँ रुकूंगा मैं। देखो ये जो बंद हो रहा है यहाँ पर, जो कम्युनिकेशन और साथ ही साथ अपना करंट कंजप्शन दोनों ही जा रहे हैं, ये जो सिम्टम है यहाँ पे, ये ऐसा बताता है कि यहाँ पे नो डिस्प्ले का इशू नहीं है, यहाँ पे ऑन या ऑफ का इशू है। यानी कि हो सकता है कि ये थर्मल एरर हो, या फिर और भी कुछ हो, या फिर ऑफ हो जाता हो, इस तरह का प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने हीट सिंक भी लगा रखा है, फैन भी लगा रखा था, सेम इशू है। तो अब इस तरह का बोर्डों में करा क्या जाएगा, टाइप सी है एक तो, और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें स्कीमेटिक बोर्ड भी कुछ होता नहीं है। तो बेसिक आराम से कोई भी किसी तरह से, अगर चाहे, अगर नॉलेजेबल बंदा हो जिसके पास, मतलब एक तरीके से नॉलेज हासिल किया हो, जो कि मतलब स्टेप वाइज हो गया है, सही से सीखा होता है बंदा ना, वो आराम से ढूंढ लेता है इस चीज़ को। तो सब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे वो छोटा सा है, बटन का इशू है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम को ढूंढने में, यानी कि हम तो ठीक करना तो बात का बात है, पहले प्रॉब्लम अगर ढूंढ लें, यानी कि प्रॉब्लम हमको मिल जाए, तो बहुत आसान होता है उसको रिपेयर करना। लेकिन प्रॉब्लम ही समझ में ना आए तो मतलब बहुत तकलीफ देने वाला चीज रहता है। तो यही होता है हमारे लैपटॉप के रिपेयर में, कि इंजीनियर को पहले वो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता है, जिस कारण से यहाँ वहाँ टेम्परिंग कर देते हैं, और खास करके बायस वगैरह राइट कर देते हैं। ऐसे केसों में बायस वगैरह राइट कर देते हैं, तो यहाँ पे बायस अगर राइट कर देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें तो डिस्प्ले आई थिंक आ रहा होगा, ये ऑफ हो रहा है, क्योंकि बटन का वोल्टेज यहाँ पे लो है। मैंने ढूंढा, थोड़ा सा टाइम लगा के ढूंढा, तो मुझे मालूम चल गया। तो मैं सोचा कि इस पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये आया था लैपटॉप मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको एक थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये वाला यहाँ पे ये रिकॉर्ड किया। तो मतलब प्रॉब्लम पहले मिल जाए, उसके बाद आप आराम से रिपेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम ढूंढने में कम से कम टाइम लगना चाहिए, रिपेयर करने में भले एक दिन लग जाए, वो अलग चीज़ होता है, वो डिपेंड करता है आपके हैंड स्किल, या फिर आपके पास कंपोनेंट होने हो या नहीं हो, बहुत सारा डिपेंडेंसी रहता है रिपेयर लाइन में। बट ये क्या है कि प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढ लेना, ये होता है इंजीनियर का काम। तो अब देखो इसमें कंडीशन तो मैंने दिखा दिया, अब दिख रहा होगा कि ये कैसे है। तो अब यहाँ पे डायग्नोस करना चालू किया था मैं, तो मुझे अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं वापस से। अब जो फिर से लाते हैं करंट कंजप्शन देखने के लिए, मैं फिर से रिसेट कर देता हूँ, और एक चीज़ देखो मैं इसको क्या कहते हैं कि इसका लगा देता हूँ, और जैसे ही चालू हो गया मैं इस IO बोर्ड, स्मॉल बोर्ड को निकाल देता हूँ। देखते रहें, अब स्मॉल बोर्ड को निकाल दिया मैं, तो अब क्या होगा, अब ये क्या करंट कंजप्शन है, यानी कि 822 मिली एम्पीयर, 716 मिली एम्पीयर के आसपास जाके, अब ये देखो ये रेफरेंस मिल गया, डिस्प्ले है यहाँ पर, डिस्प्ले आ गया। इसका मतलब ये है
इसके बटन्स में, यानी कि जब ये डिस्प्ले आता है सिस्टम S0 में आ रहा है, उस कंडीशन में ये ऑफ हो जा रहा है ड्यू टू पावर ओवरराइडिंग, यानी पावर बटन ओवरराइडिंग के कारण से। तो यही प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बट अगर सही से डायग्नोस नहीं किया जाए तो ये कचरा बन सकता है, क्योंकि इसके पास इसका ना तो स्कीमेटिक है, ना तो बोर्ड व्यू है, ना ही कुछ है। बायस वगैरह पड़े हैं, लेकिन वो बायस चलता हुआ है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो इसके साथ ही साथ मैं बायस एक्सट्रैक्ट करने की भी करके दिखाऊंगा कि इसमें बायस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे होता है। बहुत आसान है इसमें और इजीली अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ठीक करते हैं, जिन्हें बायस एक्सट्रैक्ट करना है कैसे वो देखना है, तो अंत तक रुक सकते हैं। तो अब एक चीज़ तो मालूम पड़ गया मुझे, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर वापस से इसको लगाता हूँ यहाँ पर, देखना फिर चालू हो जाएगा ये अपने आप ही, जबकि अपने आप चालू नहीं होना चाहिए था ही। तो यही प्रॉब्लम है इसमें, ये अपने आप चालू हो रहा है, अपने आप बंद भी हो जा रहा है। देखो इसका स्विच में वोल्टेज कम पड़ा हुआ है, अगर मैं इसका डीएमए पे दिखाऊं तो ये स्विच का वोल्टेज कम पड़ा हुआ है। तो ये है इसमें असली प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ एक बार के लिए, और फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए मैंने देखा था यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये रस्ट वगैरह है। तो आई थिंक इसमें से कोई ना कोई डायोड जो है वो खराब होगा, यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये ESD डायोड है, ये बर्निंग है। तो इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार के लिए, हालांकि मैंने इसको प्रॉब्लम देख लिया था और जानबूझ के ही इसको छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में सी टाइप में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं कि डैमेज करके या काम बढ़ा के इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं। कोई भी जानकार आदमी हो तो उसे भी रिपेयर नहीं होता है, एक बार केस डैमेज हो गया आगे बढ़ गया, खासकर जिसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू नहीं है। ये मैं आपको कम समय में दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी इसको ढूंढने में टाइम लगा, यानी कि 1 घंटा के आसपास दिया है टाइम, उसके बाद मुझे ये पता चला। लेकिन जैसे कि ये नया मदरबोर्ड है, यानी कि एक नया चल रहा है मार्केट में वही का, इसलिए मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारे में जंग लग गए हैं। तो जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सेम चीज़ सेम चीज़ अप्लाई करके मैंने इसको ढूंढा, में अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ किया है इसको ढूंढने के लिए। बात है प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी आप स्विच चेक करने आओगे, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो आप ज़िंदगी भर स्विच चेक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आपके सामने आता है केस तब याद आ जाता है, तब आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है कि भाई अब क्या करें। ऐसे जो नए इंजीनियर हैं और एक्सपर्ट लोग हैं तो वो क्या है, वो तो जादू कर देते हैं ठीक हो जाता है, बायस रेड बना कर राइट कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है एकदम। ये केस मुझे को लगता है कि अब ये ठीक हो जाएगा, अगर ये ऑन नहीं होता है अपने आप, यानी कि अगर ये ऑन नहीं होता है अपने आप से, अगर DSO पे लेके चलूँ और इसका कनेक्टर लगाता हूँ टाइप सी के, देखना करंट अगर सेंस नहीं होता है तो। ये करंट सेंस नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे अब क्या है, ये काम कर रहा है, अभी पावर बटन प्रेस करूँगा तब ये चालू होगा। देखो पावर बटन प्रेस किया है, चालू हुआ और आई थिंक डिस्प्ले आ जाएगा इस पर, ये ब्लिंक किया मतलब डिस्प्ले आ जाएगा, देखते हैं। ओके ये डिस्प्ले मिल गया, तो कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने इस पे 1 घंटा लगाया है। तो आप इसको स्क्रिप्टेड वीडियो भी बोल सकते हो। तो एक बार इसके स्क्रीन लगा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इसके स्क्रीन को,
चालू कर लेते हैं एक बार टाइप सी के केबल लगा के। रेफरेंस ग्राउंड हट गया जिसके कारण से आपको बहुत सारे यहाँ पे वेवफॉर्म दिख रहे होंगे। वापस मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ रेफरेंस ग्राउंड ताकि यहाँ पे करंट सेंस कर लिया जाए। अभी ऑन कर लेते हैं एक बार। देखो थोड़ा सा ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा ये, क्योंकि स्क्रीन लग रहा है 1 एम्पियर चला गया ये 1 एम्पियर जाने के बाद में। ये हमको डिस्प्ले मिल गया यानी कि इसमें टीपीएम का एरर आ रहा है, बिट लॉक का एन्क्रिप्शन क्या क्या एरर आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ लगा नहीं है। तो ये 1 एम्पियर के पास आसपास ये अभी स्टेबल है यानी कि मान के चलो हाँ 1 एम्पियर का कंजप्शन है इसमें और डिस्प्ले आ रहा है। तो इस तरह से हमारा एक होता है केस ये वाला कंप्लीट जिसको मैंने 1 घंटा लगा के ढूंढा है इसको, 1.5 घंटा और 5 मिनट में आपको 10 मिनट में आपको ये चीज़ बता दिया। तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आएंगे इसमें और ये बोर्ड कचरा ना हो, कोई अगर बिगनर है वो सर्च करके देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे तो शायद उनको ये वीडियो दिख जाए और उनका केस सॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ आप देखेंगे हम यहाँ पे कि इसके जो बायोस हैं बायोस को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो बहुत आसान है, कोई हाथी है घोड़ा नहीं है। तो इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, मैंने सर्च किया था का। और यहाँ पे देखोगे ये बायस है, इसको डाउनलोड करो, इजी एक्सट्रैक्शन है इसका। इसके अंदर और एक फाइल मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करो। अब ये जो है इसको आप डबल क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं डबल क्लिक नहीं करना चाहता, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। आराम से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। AMD है ये राइजन। अब क्या है यहाँ पे और एक फाइल मिल जाता है फाइल उन्होंने बता रखा है, तो ये रहा पाई फाइल फाइल। और यहाँ पे सर्च कर लो बायस एमडी। तो आई थिंक ये मैंने दूसरे किसी का दे दिया है, इस पार्टिकुलर मॉडल का नहीं है ये। और मुझे मैं शायद तक डाउनलोड किया था और डिलीट कर दिया इसको। एक बार क्लियर में क्या करता हूँ, ले आता हूँ उसी फाइल को क्योंकि सीरियल नंबर से डाउनलोड किया था मैंने। आ गई वही। एक बार सर्च कर लेते हैं। नहीं दिखा रहा, खैर कोई बात नहीं, एक बार के लिए फिर से यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मिल जाए। और डिलीटेड फाइल में दिखा नहीं रहा है तो मुझे लगता है कि मैंने 1.6 यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं पॉज करके डाउनलोड करता हूँ क्योंकि सीरियल नंबर मुझे दिखाना है। ये सीरियल नंबर से मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है एक फाइल जो कि मुझे मिल गया है ये वाला। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और आराम से फाइल अपने को मिल जाएगा यहाँ से। बहुत आसान है। देखोगे तो अब इसके अंदर नहीं मिलेगा, अब इसके अंदर ही मिलेगा। एक बहुत इन्होंने घुमाया है उसके अंदर डाल रखा है। तो ये है हमारे पास का इमेज, कंट्रोल फाइंड करो वाई फाई लिखो और यहाँ इसके नीचे वाला सेलेक्ट करो कंट्रोल वी और प्रेस कर लो यहाँ पर लेंथ 800 8 0 4 10 0। ये हो गया आपका इमेज, कट कर लो कंट्रोल ए प्रेस कर लो, डी प्रेस करो डिलीट, कंट्रोल वी कर लो, ये हो गया सेव।
और हमका एक्सचेंज हो गया 8.8 MB में। अब इसको राइट करना है या क्या करना है आप सोच लो। तो अब ये एमबी मुझे दिखाएगा नहीं, एम सी देख देख लेते हैं इसमें माइक्रो कोड। तो माइक्रो कोड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉपर UEFI इंग्लिश दिख जाएगा यहाँ पर। एक बार के लिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये इमेज है या नहीं। तो ये देख लो प्रॉपरली इमेज है यहाँ पर, कोई इशू नहीं। तो इस तरह से इसका फॉर्मर भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो कोई इसमें रफड़ा वाला चीज है ही नहीं, जिसको टेंशन लेना है बायस के लिए आराम से मिल जाएगा। बट ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ढूंढना थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे सबके पास टाइप सी करंट सेंस करने के लिए अरेंजमेंट नहीं है। वो कर ले, क्योंकि बहुत सारे अभी आ रहे हैं टाइप सी के लिए। तो टाइप सी के लिए अरेंजमेंट अभी से करना चालू कर दो, और साथ ही साथ ऑनबोर्ड रैम, यानी कि जहाँ पे ऑनबोर्ड रैम लगा हुआ है नो स्लॉट, यानी कि वहाँ पे कोई स्लॉट नहीं है, उसके लिए भी तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत सारे केसेस आएंगे अभी नो स्लॉट वाले, और जिसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से मतलब अनलकीली अब बात यह है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, आपको कोई भी ऐसा बायस बनाकर नहीं दे देंगे कि उसको डिजेबल कर लो आप। यानी कि बात समझ लो कि जो वहां पर है अब उसको फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि आप ऑनबोर्ड रैम लगा है तो स्लॉट में कहाँ से लाओगे भाई, स्लॉट लगाओगे। तो हर एक चीज बायस पे रुका हुआ नहीं है। आप बायस वो एक मतलब एक चैप्टर है, उसको आप इजी मत ले लो। लेकिन जो चीज है अभी आने वाला चैलेंजेस हार्डवेयर पे, जो कि ऑनबोर्ड रैम नो स्लॉट, ऑनबोर्ड रैम विथ नो स्लॉट, जिसको डायग्नोस करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दो सभी इंजीनियरों। नहीं तो फिर समझ ही रहे हो कि क्या होगा। जितने हमारे इंजीनियर बनते हैं ऐसे ऐसे ही, जिनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है टूल्स पे, उनसे काम नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो ये छोटा सा एक नॉलेज, मिलते हैं दूसरे केस में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।